नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आरके गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र। सामने दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं ये प्रोचुला प्लांट है, यानी मॉसरोजी से कई नामों से जाना जाता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिनसे आप अपने पौधे से ज़्यादा फूल प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे काम बताऊंगा, उन्हें आप करके आप अपने पौधे पर ढेरों फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इनके फूल दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर इस पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और ये फूलों से गमले भरे हुए हैं। इसी तरह से दोस्तों आप भी चाहते हैं अपने पौधे से ज़्यादा फूल प्राप्त करना, तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप अपने पौधे से ज़्यादा फूल प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा फूल खिले हुए हैं। एक साथ जब पौधे पर फूल खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख ही पा रहे हैं आप, तो एक साथ सभी पौधों पर ये फूल खिले हुए हैं, कुछ बड्स भी निकले हुए हैं। देखिए ये मेरे हाथ में कितना सुंदर ये फूल लग रहा है। तो इसी तरह से सभी पौधों पर ये फूल आए हुए हैं। अब इन पर जो बड्स निकल रहे हैं वो भी खिल जाएंगे। तो मैं इसमें ऐसी चीज़ देता हूँ जिनसे हमारे पौधे पर फूल बने ही रहते हैं। और मैं आपको यह भी बात बता दूँ, इसमें मैं आपको 3 चीज़ ऐसी बताऊँगा, उन्हें आप कर लेते हैं तो आपके पौधे फूलों से भरे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी केयर के बारे में। केयर हमें किस तरह से करनी है ताकि हमारे पौधे ग्रोथ भी करते रहें और पौधा फूल भी ज़्यादा देता रहे। सबसे पहले इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, देखिए इसकी जो मिट्टी है वो कुछ हम इस तरह की इसकी नॉर्मल मिट्टी रखेंगे। हमें इसमें सबसे पहले हम इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे नहीं। यदि दोस्तों ज़्यादा पानी पौधे में डाल दिया हमने तो हमारा पौधा ग्रो तो करता है पर लेकिन अच्छी तरह से हमें फूल नहीं दे पाता है। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है, अपने पौधे पर ज़्यादा पानी हमें देना नहीं है, यानी ओवर वाटरिंग पौधे पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दूसरा काम भी बता ही देता हूँ, आप पौधे पर क्या काम हमें करना है। दूसरा काम ये है कि हमें यह पौधे सबसे ज़्यादा धूप में रखने होंगे। यदि दोस्तों हमने ये पौधे धूप में रख दिए तभी हमारे पौधे अच्छे से फूल हमें दे पाते हैं। यदि हम इन पौधों को धूप में नहीं रखते हैं तो हमारे पौधे उतने ज़्यादा फूल हमें नहीं दे पाएंगे। और यदि दोस्तों फूल आ भी गए तो फूलों का साइज सबसे छोटा होगा और कम फूल होंगे। तो ये हमें ध्यान देना है पौधे पर, जब भी हम पौधे लगाएं तो जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन्हें धूप पसंद होती है, तो ये धूप में रखे हुए हैं तो इन्हें आप धूप में ज़्यादातर रखेंगे तो पौधे पर ज़्यादा फूल आना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों तीसरी बात ये है, इसमें किस तरह की हमें खाद देनी चाहिए या हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ हमें किस तरह की इसमें खाद देनी चाहिए। इसमें आप बोनमील भी यूज कर सकते हैं, उसमें फास्फोरस भी होता है और कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसलिए हमारे पौधे के लिए बोनमील सबसे अच्छा है। तो एक बार आपने इसमें लगा लिया तो आपके पौधे लंबे समय तक चलते रहेंगे और आपको फूल देते रहेंगे और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने पौधे से ज़्यादा फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।